बांग्लादेश दौरे से बीसीसीआई ने किया सूर्य कुमार यादव को बाहर। आखिर सूर्या को क्यों नहीं खेलने दे रहा बीसीसीआई? फैंस का मानना सूर्या के साथ हो रहा जातिवाद का गंदा खेल। आपको बता दे, सूर्य कुमार एक साल के अंदर ऐसा नाम बन गया है जो हर किसी की जुबान पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सूर्य कुमार यादव के बैटिंग स्टाइल के सब दीवाने हैं, क्या भारतीय और क्या ऑस्ट्रेलियाई, दुनिया के तमाम दिग्गज और फैंस सूर्या को आज के दौर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं। इतना ही नहीं, सूर्या को हर दूसरे बल्लेबाज से अलग लीग में रखते हैं। बड़े बड़े दिग्गजों का मानना है, सूर्या जिस तरह से बैटिंग करता है, अजीबो गरीब शॉट्स खेलता है, ऐसे शॉट्स बिल्कुल भी साधारण नहीं है। सूर्या को लेकर कई दिग्गजों का मानना है, सूर्या किसी दूसरे ग्रह से आया है, उसके शॉट्स भी किसी कंप्यूटर गेम जैसे होते हैं, जिनको रियल लाइफ में करके दिखाना ये साबित करता है कि सूर्या जैसा खिलाड़ी ना पहले कभी आया था और ना कभी आएगा। सूर्या ने T20 वर्ल्ड कप 2022 और उसके बाद न्यूजीलैंड में T20 सीरीज के दौरान अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया। सूर्या ने पिछले एक साल से लगातार भारत के लिए T20 में खतरनाक प्रदर्शन किया है, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग में टॉप पर है। भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की इस टाइम हर जगह चर्चा हो रही है। उनकी बैटिंग का हर कोई दीवाना है। बड़े से बड़े दिग्गज भी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की सराहना कर रहे हैं। फैंस का भी कहना है कि वह ऐसी ही विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हमें सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बीसीसीआई ने बांग्लादेश दौरे से सूर्य कुमार यादव को रेस्ट दिया है। ऐसे में फैंस का गुस्सा बीसीसीआई पर बारिश की तरह बरस रहा है। आखिर फिट होते हुए भी बीसीसीआई द्वारा सूर्य कुमार को रेस्ट देने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर रेस्ट देना ही था तो ऋषभ पंत को देते, लेकिन ऋषभ पंत को तो बीसीसीआई ने सिर पर बैठा रखा है। फेल होने के बावजूद भी हर मैच में मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। सूर्या ने तो पिछले एक साल में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इतना ही नहीं, सूर्या अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर आज T20 रैंकिंग में दुनिया का टॉप बल्लेबाज है। उसके बावजूद भी सूर्या को टीम से ये कहकर निकाला गया कि सूर्या वनडे क्रिकेट का प्लेयर नहीं है। चंद वनडे मैचों के आंकड़ों को देखते हुए बीसीसीआई ने ऐसा कठोर कदम उठाया। बीसीसीआई पहले ही सूर्या के 5 साल बेकार कर चुका है, अब और कितने होंगे ये भी देखने लायक है। आखिरकार उदास होकर सूर्य कुमार न्यूजीलैंड से सीधा इंडिया वापस लौट चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्या को रेस्ट देने की जरूरत थी? क्या बीसीसीआई सूर्या के साथ कोई गेम खेल रहा है? क्या वाकई सूर्या के साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।